वेलकम बैक जनाब, आपने पिक्चर देख ली है और आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमें एक फोटोग्राफर ने ज्वाइन किया है। मोहम्मद हादी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो हादी, कैसे हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप फोटोग्राफर हैं, एनसी से आपका ताल्लुक है, कब से कर रहे हैं? हाँ जी, मैं एनसी से 3 साल पढ़ रहा हूँ, मैं थर्ड ईयर है मेरा। फोटोग्राफी तो मैं पहले से कर रहा हूँ, तकरीबन 5-6 साल हो गए कोयटा में जब मैं था। अच्छा आप कोयटा से बिलोंग करते हो? हाँ जी, मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। तो उधर से मतलब मैं शौक तो नहीं कह सकता उसको कि मैंने मतलब एक शौक पैदा हुआ जो मैं फोटोग्राफी कर लो, तो एक नीड था मेरा मतलब, तो मैंने इसी तरह फोटोग्राफी स्टार्ट की। फिर इधर आते फिर मैंने ये सीरीज जो है मैंने सीरीज स्टार्ट की है। मतलब इस सीरीज का मकसद ये है कि लाहौर में या पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फारसी बहुत कम बोले जाते हैं, स्पेशली सभी सिर्फ कोयटा में है और कुछ इलाकों में जहाँ फारसी बोले जाते हैं। ठीक है, तो फारसी को मैं थोड़ा प्रमोट करना चाहता था क्योंकि फारसी एक बहुत मीठी जबान होती है, उसके बोलने के अंदाज में या मतलब उनके जो अल्फाज होते हैं ना बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। जिस तरह उर्दू के जो अल्फाज होते हैं ना, उर्दू लिटरेचर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और अदबियात पे होते हैं, तो इस तरह फारसी भी बहुत इस तरह मतलब मीठी होती है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो मैंने ये स्टार्ट की थी इस सीरीज को मैंने। अच्छा तो मुझे बताओ कि आप बेसिकली पोर्ट्रेट्स करते हो, किस तरह की फोटोग्राफी करते हो? मैं मतलब ज़्यादातर डिज़ाइन और फोटोग्राफी को दोनों मिक्स करता हूँ मैं। ठीक है। जिस तरह ये सीरीज है अभी, इसमें मोस्टली यही होता है कि ये आप कैमरे में दिखाओ, ये जो तस्वीर है ना, अब हम लोग रूम में बैठे थे, मेरा रूममेट है वैसे। अच्छा। हाँ तो हम लोग रूम में बैठे थे हॉस्टल में, तो मैंने कहा कुछ करते हैं, मतलब इस तरह कौन बैठेगा इतना। हाँ तो फिर मैंने तस्वीर ली, वैसे मेरे पास पड़ी थी एक, ये एक दूसरी, हाँ, ये जो वाली है, हाँ जो हम पहले दिखाई है, बिल्कुल। तो ये दोनों मेरे पास पड़े थे, तो मैंने कहा इसका कुछ मतलब मोस्टली लोग पोर्ट्रेट लेते हैं, उसको एडिट करते हैं फोटोशॉप में और पोस्ट करते हैं, बस कैप्शन देते हैं ऊपर, पता नहीं कौन से कैप्शन पर रिलेट करते भी है नहीं करते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा मतलब कुछ डिफरेंट करते हैं इस टाइम, तो मैंने अपने डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू देखा मैंने, अच्छा क्या क्या हो सकता है। फिर मुझे ये सीरीज मतलब मैंने स्टार्ट करने का एक छोटा सा स्पार्क आया मेरे जहन में कि अच्छा ये हो सकता है, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ हाँ तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ तो जैसे मैंने पहला पिक्चर बनाया जो शब की शुद्ध, उस पर इसकी जो टाइटल है वो मेरी पहली तस्वीर है जो मैंने बनाया था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ स्पेशली एनसीए के लोगों ने और कोयटा के लोगों ने मुझे लवली, क्योंकि हाँ। आप ऑब्वियसली प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हादी, हम आपको डेफिनेटली दोबारा बुलाने वाले हैं शो पे ताकि फिर हम आपसे डिटेल डिस्कशन करें, अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। थैंक यू डॉक्टर सबा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी टिप्स दी। जनाब अभी हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी कल, हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि आज का टॉपिक जो है आपके किसी न किसी तरह काम आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।